अपने लेटर भी दिए लेकिन इनकार कर दिया परमिशन देने से, और दो आदमी को जेल भी भेज दिया, मुझे और हमारे जिम्मेदार आदिल रशीद साहब को। यूपी की योगी सरकार लगातार मुसलमानों से भेदभाव के नए नए हथकंडे अपना रही है। कभी मदरसे में सीसीटीवी कैमरा लगाकर राष्ट्रगान की फुटेज के रूप में मुसलमानों से देशभक्ति का सबूत मांगा जाता है, तो कभी मस्जिद से लाउडस्पीकर उतारने का तुगलकी फरमान सुनाया जाता है। नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे। हद तो तब हो जाती है जब संविधान की शपथ उठाने वाला प्रशासन संविधान की धज्जियां उड़ाकर सरकार के नजरिए को आगे बढ़ाने में भरपूर सहयोग करता नजर आता है। आज हम बात करेंगे नोएडा के सेक्टर 58 के उस पार्क की, जिसमें पिछले 6 वर्षों से कुछ मुसलमान नमाज अदा करते आ रहे हैं। आपको बता दें, सेक्टर 58 के आसपास कंपनियों में काम करने वाले एम्प्लॉयज आसपास कोई मस्जिद ना होने के कारण शुक्रवार को नमाज अदा करते हैं। ये नमाज लगभग 1 बजे शुरू होकर 2 बजे पूरी हो जाती है। 1 घंटे तक मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, जिसे प्रशासन ने रोक दिया है। जब लोगों ने प्रशासन से नमाज की इजाजत मांगी तो पुलिस ने इजाजत देने की बजाय उन्हें जेल में डाल दिया। आइए जानते हैं विस्तार से। 15 फरवरी 2013 से वहाँ नमाज शुरू हुई थी, जो कि मस्जिद दूर दराज जगह पे है और वहाँ के कंपनी के वर्कर वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। थोड़ा वक्त मिलता है लंच का, आधा पौन घंटा, उसी में लंच भी करना पड़ता है और जो है फिर नमाज भी पढ़नी होती है। तो इसी वजह से पार्क में नमाज शुरू हुई थी 15 फरवरी 2013 से। उस वक्त से अब तक नमाज हो रही थी, लेकिन 7/12/2018 को अभी नमाज के बाद एक आदमी आया और कहने लगे, कैसे क्या कर रहे हो। फिर उसके बाद उन्होंने हमारे वीडियो बनाने लगे और बातचीत करने लगे। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने सोचा कि शायद ये शरारती कर सकते हैं अगले हफ्ते, तो हमने DM साहब वगैरह को लेटर लिखे और सुरक्षा के लिए कहे कि हमें सुरक्षा चाहिए। फिर उसके बाद 14/12/2018 को जब हम पार्क के अंदर पहुँचे तो देखें वहाँ माहौल बिगड़ा हुआ है। पुलिस वाले चटाई उठाई समेटवा रहे हैं और कह रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हो, नमाज नहीं होगी अब। और जो पहले जा रहे थे उसका नाम नंबर नोट कर रहे थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये कहा कि आज पढ़ने दीजिए और हम ऐलान कर देंगे, अगले हफ्ते से नहीं होगी या परमिशन ले लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नमाज नहीं होगी। फिर बाद में बहुत सारे आदमी चले गए और कुछ आदमी थे ही, तो उन्होंने कहा चलो नमाज पढ़ लो आज। फिर चटाई उठाई भिजवा दिए थे और नमाज जो है हुई जंगल ही में हम लोग पढ़े। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये सोचा कि 18 तारीख को हम लोग सिटी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ चल के परमिशन लेने के लिए चलेंगे। हम लोग ये सोचे थे और इरादा भी बनाए थे और जाते भी, लेकिन 17 तारीख को थाना से कॉल आया कि आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है मीटिंग के लिए। हम लोग गए, सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी आए और परमिशन के लिए हम लोग अपने लेटर भी दिए लेकिन इनकार कर दिया परमिशन देने से, और दो आदमी को जेल भी भेज दिया, मुझे और हमारे जिम्मेदार आदिल रशीद साहब को। और हम लोगों को करीब वहाँ पे 20 लोग उपस्थित थे और सब लोग कहे गए सर, हाथ भी मतलब हाथ जोड़ के कहने लगे, सर आप हमको नमाज इतने 6-7 साल से हो रही है तो कम से कम जुमे की नमाज जो आधे घंटे का लंच होता है उसमें जो है हमें जो है लंच के दौरान ही नमाज भी पढ़ना होता है, तो कम से कम आधे घंटे का जो 6-7 साल से कोई परेशानी नहीं हुई तो आप हमें नमाज पढ़ने दिया करें। हमने आज तक कोई कपड़ा कोई पार्क कब्जा नहीं किया और सपा की गवर्नमेंट भी 5 साल रही, इससे पहले BSP की गवर्नमेंट थी, कभी कोई का पार्क कब्जा नहीं हुआ। सिर्फ आधे घंटे लिए लोग आते हैं और चटाई पे बैठ के जो है नमाज़ पढ़ लेते हैं फिर चले जाते हैं। इसी में इनको परेशानी हो गई है कि नहीं पार्कों में नमाज नहीं होगी, ये पब्लिक प्लेस है तो पब्लिक ही तो नमाज पढ़ रही है, जबकि पार्कों में मैं ये दिखाऊंगा कि उसमें भेल के झुंड घुस जाते हैं, भैंसों के झुंड घुस जाते हैं। 4-5 साल से 4 दीवारी की उसकी रिपेयर नहीं हुई है। पार्क के बाहर अवैध जानबूझ के अवैध डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया है, जबकि अवैध डंपिंग ग्राउंड कहीं और था, उस जमीन को किसी ट्रांसपोर्ट ने कब्जा कर रखा है जो अपनी गाड़ियां लगाता है बहुत सारा। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि कोई युवक आया था उसने ये कहा था कि अब आप लोग यहां नमाज कैसे पढ़ रहे हो, किसकी इजाजत जी। उससे एक हफ्ता पहले जो है एक युवक आया, टीका लगा हुआ था, मोटा सा था, उसने अपना नाम वाम कुछ नहीं बताया। उन्होंने जो है धमकी उमकी देके गया कि आप जो है यहाँ नमाज क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मैंने कहा ये कि छुपी हुई बात है, जबकि सेक्टर 58 के पुलिस वाले जितने वो भी नमाज आके पढ़ते हैं। पहले ऐसे जो जहीर साहब थे वो भी उन्होंने भी इसमें नमाज पढ़ी, ऐसी बात नहीं है। तो इसमें क्या बात होगी कि नमाज पढ़ के चले गए। बोला नहीं अगले हफ्ते मैं पुलिस लेके आऊँगा। ये उसी के मारे हम डर के मारे ये लेटर DM साहब को देने गए और DM साहब ने जो है SP सिटी साहब के लिए मार्च कर दिया और उसके लिए सिटी मेजर साहब के लिए। 58 थाना क्षेत्र में 58 सेक्टर में जो अथॉरिटी का पार्क है, जिसके संबंध में कुछ व्यक्तियों के द्वारा वहां पर धार्मिक प्रेयर्स के लिए परमिशन मांगी गई थी, जिसकी परमिशन सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय से अभी तक नहीं दी गई थी। उसके बावजूद काफ़ी भारी संख्या में वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए, जिसके बारे में उनको अवगत करवाया गया कि कभी किसी प्रकार की परमिशन अभी तक नहीं हुई है और यही सूचना संबंधित कंपनियों को दी गई थी। इसी
यह सूचना किसी धर्म विशेष के लिए ना होकर के सभी व्यक्तियों के लिए है और आप सभी से उम्मीद की जाती है कि गौतम नगर पुलिस का सौहार्द व शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।